एवरीवन, मैं रूपाली आनंद आदेश किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और हाँ, शेयर करना भी मत भूलिए। धन्यवाद। आज हम आदेश किचन में बनाएंगे मुंबई का ऑल टाइम फेवरेट वड़ा पाव। इसके लिए हम चटनी भी बना लेंगे, गार्लिक चटनी और धनिया की चटनी। तो रेसिपी देख लेते हैं। हमने वड़ा पाव बनाने के लिए 6 मीडियम साइज़ पोटैटो बॉईल करके लिए है, अच्छे से बॉईल करके लेना है। इसके छिलके हम उतार लेंगे, पूरी तरह से छिलके साफ़ कर लेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम 2 कप बेसन ऐड करेंगे। ध्यान रखिए, यहाँ पर बारीक बेसन का ही इस्तेमाल करना है, उससे जो हमारे वड़े बनेंगे वो अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे। उसी के साथ थोड़ा सा अजवाइन इसमें ऐड करेंगे, ये पेट के लिए अच्छा होता है। और थोड़ा सा सोडा, हम खाने का सोडा ऐड करेंगे। इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका घोल बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें मिक्स करते जाना है ताकि गुठली ना बने, तो हमें लगातार मिक्स करना है। बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें हम नमक ऐड कर देंगे और एक बार मिक्स करेंगे। हमें बैटर इस कंसिस्टेंसी पे लेके आना है, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी चाहिए, और इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। एक मिक्सी जार में हम से लहसुन की कलियाँ, 6 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे। उसी के साथ 1 टेबलस्पून जीरा इसमें ऐड करेंगे और धनिया के डेंटल हम इसमें ऐड करेंगे। सभी मसालों को हम दरदरा पिसवा लेंगे और एक कटोरी में निकाल लेंगे। इसी मिक्सी जार में हम हरी चटनी भी बना लेते हैं। इसमें कुछ लहसुन की कलियाँ हमने ऐड कर दी है, उसी के साथ हमने अदरक भी ऐड किया है, 2 हरी मिर्च ऐड की है और धनिया ऐड किया है, लगभग 1 कप धनिया हमने ऐड किया है। और चटनी बनकर रेडी है। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं टेस्ट के लिए और चटनी भी एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम एक कढ़ाई गैस पर रखेंगे, उसमें लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और उसमें राई फूटने देंगे। राई अच्छे से फूट गई है, इसमें हम थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे और उसी के साथ थोड़े करी पत्ता ऐड करेंगे और जो मसाला हमने पिसवा के रखा था हरा मसाला वो इसमें हम ऐड करेंगे, हरी मिर्ची वाला, और थोड़ा हम इसे भून लेंगे। इसमें थोड़ी सी हल्दी हम मिक्स करेंगे, लगभग 1/2 टीस्पून, और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल छूटना चालू हो गया है, मसाला अच्छे से पक कर रेडी है। हम गैस की फ्लेम अब कम कर देते हैं और इसमें हम जो बॉयल पोटैटोज़ है वो एक एक करके ऐड कर देंगे। इस पर थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया हम ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से अभी मिक्स कर लेते हैं। मैं स्मैशर की हेल्प से मिक्स कर रही हूँ। थोड़े थोड़े बड़े मोटे आलू रहने देंगे और बाकी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसका टेस्ट बरकरार रहे, एकदम पेस्ट ना बने। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें ऐड करेंगे, बारीक कटा होना चाहिए, अच्छी टेस्ट मिलती है हमें। और अब गैस की फ्लेम बंद कर हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ये मसाला हमें पूरी तरह से ठंडा होने के बाद बॉल बनाना है इसके। अब तक हम हरी मिर्च को बीच में से काट लेंगे
ऑयल कढ़ाई में रख देंगे। ऑयल गरम होते ही हम ये हरी मिर्च इसमें फ्राई कर लेंगे। बीच में से काटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये फूट सकती है। और इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में, बहुत अच्छी लगती है वड़ा पाव के साथ। इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे अभी, मतलब थोड़ी देर बाद अच्छे से वो एब्जॉर्ब कर लेगी मिर्ची नमक। और हम गोल या ऐसे चपटे बॉल बना लेंगे वड़ा पाव बनाने के लिए, इस तरह से। अभी ये जो घोल हम ऐड करेंगे, तो इस तरह से हमें घोल में ऐड करना है। अपना हाथ कटोरी के इसमें पूरी तरह से साफ़ करना है और बाद में वड़ा इसमें डालना है। इससे अच्छे से गोल गोल वड़ा हमें मिलेगा, ना तो इसको पूछ रहेगी और ना भी कोई बेसन की डंडी बनेगी। इस तरह से गोल गोल वड़ा बनाने के लिए आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से सारे वड़ा पाव हम फ्राई कर लेंगे। देखिए बहुत अच्छे से वड़ा पाव बनकर रेडी है, वड़ा बनकर रेडी है। वड़े सभी अभी हम निकाल लेंगे। ऑयल एक बार अच्छे से गर्म होने के बाद हम मीडियम फ्लेम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही सारे वड़े हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से सारे वड़े हम फ्राई कर लेंगे और बचे हुए घोल को भी हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। इस घोल से बनेगी अपनी लहसुन वाली लाल चटनी। तो ये हम ऐसे स्पून से बारीक बारीक ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी बन जाए। और इसे अच्छे से हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। अलट पलट के फ्राई करना है। ये कुरकुरे पकोड़े भी फ्राई होकर रेडी है, हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये वड़े के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, पाव के बीच में रखेंगे तो। और इसकी चटनी भी बहुत अच्छी लगती है, तो हम भुने हुए लहसुन में ये ऐड कर देंगे। हमने जो मिक्सी जार में लहसुन लिया है उसे हमने पहले से थोड़ा सा ऐसे कूट लिया है ऊपर से ही, छिलके के साथ ही। 5-6 लहसुन की कलियाँ लेनी है, थोड़ी सी कढ़ाई पे भून लेनी है ताकि छिलका क्रिस्पी बन जाए। थोड़ा सा भून लेंगे और हम मिक्सी जार में ऐड कर उसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे टेस्ट के अनुसार, और साथ में थोड़ा सा नमक और पकौड़े ऐड करेंगे। मिक्सी जार का ढक्कन लगाएंगे और अपनी चटनी बनकर रेडी है। अब हम वड़ा पाव बना लेते हैं। हरी चटनी जो हमने बनाई है धनिए की, वो लगा लेंगे अच्छे से। उसी के साथ वड़ा रखेंगे, उसके ऊपर हम लाल गार्लिक चटनी रखेंगे और इसके साथ हरी मिर्च हम सर्व करेंगे। बहुत टेस्टी होता है। इसी तरह से सारे वड़ा पाव आप अपने घर वालों को बना कर खिलाइए और एंजॉय कीजिए जी।